साथियों नमस्कार। आज 23,749 विद्यालय सहायक पंचायत सहायक हम पहले भी कहते थे ट्रेन के सबसे पहले डब्बे में बैठे मुख्यमंत्री जी का चाहे ट्वीट हो चाहे फेसबुक पर उनका पोस्ट हो चाहे खबरें हो, आज हमारे विद्यालय सहायक पंचायत सहायकों में 16,055 जो बीएसटीसी बीएड और डीएलएड है उनको 3600 ग्रेड के ऊपर सरकार ने ले जाने का काम किया है। 16,900 उन लोगों को जो संविदा सेवा नियम की तनख्वाह वो और उसके बाद प्रोविजन काल में जो सैलरी और उसके बाद में जो फिक्सेशन में जो सैलरी वो मिलनी है, यानी कि वो आज अध्यापक बन चुके हैं। ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं साथियों। लेकिन एंट्रेंट साथियों मेरे पास लगातार फोन आ रहे हैं, 12th जो योग्यता जिनकी जो पंचायत सहायक बने थे उनको मैं विश्वास दिलवा रहा हूँ कि रामजीत पटेल का खून का कतरा कतरा आपके लिए लड़ेगा। चाहे मैं बीएड हूँ, राजस्थान के टॉप कॉलेज विधानसभा के पीछे ही है लाल कोटी में संजय टीटी कॉलेज से मैंने बीएड किया, डबल एमए हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, सिंगल एमए दूसरा एमए मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलवा रहा हूँ वो साथी घबराए नहीं, आपकी लड़ाई आपकी योग्यता के अनुसार कैसे हम जीतेंगे, आपको कैसे एलडीसी वीडियो छात्रों से दीक्षा की ग्रेड पे हम लोग दिलवा पाएंगे उसके लिए तैयार रहे। आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि आज के जमाने में खुद की लड़ाई खुद आदमी लड़ता है। रामजीत पटेल ने आपको विश्वास दिलवा दिया, चाहे पात्र है पात्र का सरकार ने खेला खेला, लेकिन रामजीत पटेल ने हमारे संगठन के प्रवक्ता प्रमोद बिंडा जी को कहा था कि बिंडा जी आपसे बाद में ज्वाइन करूंगा मैं, और उन्होंने विश्वास किया। मैंने कहा कि आपके बाद में ज्वाइन करूंगा, अधिकारी को पूरा कहा था कि पात्र पात्र का कोई खेला नहीं, एक बार प्रोसेस को शुरू नहीं किया जाए, प्रोसेस शुरू करा, एक एक साथी को अडॉप्ट करवाया, ड्रॉप आउट नगर पालिका की जो प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट हो रही है। लेकिन आपको विश्वास दिलवा रहे हैं, आज जो साथी अध्यापक बनने जा रहे हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं। मैं खुद भी अध्यापक बनने जा रहा हूं, लेकिन जो साथी अनट्रेंड है वो घबराए नहीं, आपके लिए आपके दबाव आपके संविदा कर्मियों के 1,10,000 संविदा कर्मियों नेता भाई नरेंद्र चौधरी ने जैसे सरकार को अल्टीमेटम दिया कि 5 तारीख की शाम को बड़े आंदोलन की घोषणा होगी, सरकार ने आनंद फानंद में कैबिनेट का प्रस्ताव बुलवाकर यह निर्णय लिया। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं उस वीर को जिस आदमी ने आंदोलन की घोषणा की, हम लोगों ने उसका साथ दिया सब लोगों ने, और आज भी आंदोलन हम करेंगे। मैं भाई नरेंद्र चौधरी से तमाम कमेटी के लोगों से जितने भी संविदा कर्मियों के नेता है सभी संविदा कर्मियों के चाहे एनआरएसएम के हो चाहे मदरसा पैरा टीचर के हो लेखा साहब के हो चाहे एनयूएचएम के हो चाहे जेटीए के हो चाहे राजीव गांधी पैरा टीचर हो चाहे शिक्षा कर्मी सभी से बात करेंगे, आगे की रूपरेखा के बारे में आपको कल अवगत करवाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना ही, 16,900 ट्रेंड लोगों को 10,400 अनट्रेंड लोगों को यही हम समझ पाए जो अधिकारियों से सब लोगों से हमारी बात हुई मीडिया चैनल से बात हुई। लेकिन अब होली दिवाली आप मनाएंगे, ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई, जो भी होगा आंदोलन आपके लिए करेंगे। अगर अनट्रेंड साथी सोच रहे हैं कि आपको हम पीछे छोड़ रहे हैं, नहीं, आपके लिए आंदोलन करेंगे, आप निश्चिंत रहें आपके लिए आंदोलन करेंगे, ये सत्य है। रामजीत पटेल का खून का कतरा कतरा भी आपके लिए बहेगा। रामजीत पटेल संयोजक राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ।